इसको गोल गोल लाडू में कन्वर्ट कर रहे, देखो। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे भी सुबह सुबह के 7 बजे और मैं स्कूल जाने के लिए उठ गया हूँ। तो देखो यहाँ पे मेरा भाई सो रहा है और कल मैं ट्यूशन नहीं गया था क्योंकि कल मतलब कि परसों हम लोग को हमारे स्कूल के पीछे मैदान है तो हम लोग को वहाँ पे खेलने के लिए लेके गए थे ना सर टीचर लोग। तो वहाँ पे मेरे को खेलते खेलते पूरा शरीर दुखने लगा था, तो कल मेरे को पूरा शरीर दुख रहा था, मैं कल नहीं गया था। तो देखो ये मेरे बड़े पापा का बेटा है तो अभी बोल नहीं सकता कि उसकी वो सब कुछ आता है, मतलब वो सब कुछ कर सकता है। तो गाइस जब वो पढ़ नहीं रहे तो वो हीरा कसने जा रहे हैं, तो अभी वो जाएगा मेरे पहले। तो अभी वो ना क्या चुका है तो अभी मेरी बारी नहाने जाने की। तो यहाँ पे टॉवल ले लेता हूँ और देखो यहाँ पे मेरा गर्म पानी हो रहा है। देखो यहाँ पे मेरी मम्मी रोटी बना रही है, मेरे बड़े पापा का टिफिन भी करना है, मेरे भाई का भी टिफिन करना है क्योंकि दोपहर को तो वो लोग घर पे खाने के नहीं आते तो टिफिन कर देना पड़ता है। तो गैस मैं आपको नहाने के बाद मिलता हूँ। गैस भी मैं नहा के आ चुका हूँ। तो देखो मैंने स्कूल के कपड़े पहन लिए, मतलब कि ये तो स्वेटर है और सब अपने स्कूल के कपड़े पहन लिए। तो गैस जो मेरा बड़ा भाई था तो स्कूल तो नहीं, मतलब वो अपने काम पर चला गया और ये मेरा भाई भी सो रहा है। इसको तो मज़ा है कि इसकी स्कूल तो दोपहर की है 10 बजे की, तो ये 9 बजे तक सो रहा है तो उसको नहीं है। तो गाइस वो भी 4 बजे वापस आ जाएगा मेरा भाई, तो 4 बजे तक मैं ट्यूशन में जाऊँगा। तो गाइस मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा ठंडी पड़ती है, देखो। बस देखो ये बारिश हो गई, देखो पूरा वो जम गया, देखो। देखो पानी पानी दिख रहा है एकदम। देखो तो गाइस यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, तो मैं आपको एक बार बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। बाहर भी बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, देखो। देखो गाइस एकदम ठंडा वातावरण है, देखो पूरा। गाइस दूर दूर तक तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, देखो। तो गाइस मैं आपको नाश्ता करने के बाद मिलता हूँ। मैंने नाश्ता कर लिया है तो अभी मैं हमने हमारे घर के रूम में बैठा हूँ। तो अभी मेरे पापा भी वो सब लोग भी जाग गए हैं, मेरे बड़े पापा वो नहाने गए हैं। तो अभी यहाँ पे कोरोना वापस आ चुका है तो हम लोग को वापस से मास्क पहनना पड़ेगा। तो हम लोग को स्कूल में से बोला कि ये फर्जियत मास्क पहन के आना है क्योंकि कोरोना चल रहा है, वापस से आ गया तो कुछ पता नहीं हो सकता कि क्या हो सके, कोरोना भी हो सकता है। तो गाइस मेरे स्कूल पे जाने का टाइम हो चुका है तो मैं आपको स्कूल के आने के बाद मिलता हूँ। गाइस अभी मैं स्कूल से आ चुका हूँ, तो अभी मैंने खाना भी खा लिया है। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, जो मैं गांव से मेरे बड़े पापा आए थे तो उन्होंने यहाँ पे शहर में उनकी रूम खरीदे, मतलब कि भाड़े रहने आए। तो आज दोपहर को गांव चले जाएंगे, फिर उनका पूरा सामान लेके वापस यहाँ पे आएंगे। तो अभी हम लोग उनके रूम पे जाएंगे, वो वहाँ पे पूरा साफ सफाई करेंगे। तो देखो हम लोग ये नली और बाल्टी वो सब ले रहे कपड़ा वपड़ा। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि हम लोग कैसे साफ सफाई कर रहे हैं, कैसे वो सब कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। हम लोग घर से निकल चुके हैं तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ।
जब हम लोग पहुंच चुके हैं जिस रूम को हमें साफ करना है, तो मैं आपको दिखा दूं। देखो पीछे एक बार ये मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ भी सामान रख सकते, अपना पेड़ पौधे वो सब भी रख सकते हैं। यहाँ पे दरवाजा है, यहाँ पे देखो मैंने साफ सफाई कर दी है। वो कुछ एकदम पूरा ठंडा रूम है। आपको दूसरा रूम दिखाता हूँ, देखो ये तो किचन है। देखो यहाँ पे सामान रखने का है, और ऊपर वो पानी की टंकी है। देखो ऊपर यहाँ पे कपड़ा लटकाने के लिए एंगल है। नीचे देखो यहाँ पे एक बारी भी है। तो मैं मेरे मम्मी पापा बात कर रहे कि ये रूम को हमें साफ करना है। तो मैं मेरे पापा बोल रहे हैं कि यहाँ पे नीचे एकदम साफ सफाई किया गया है, तो धोने की चीजें थे रूम को साफ करना है, तो लोगों ने साफ कर दिया है। दूसरा दिखा तो देखो देखो यहाँ पे टी वी रखने के लिए, और ऊपर हम लोग अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ पे एक बोर्ड है, ये दरवाजा है। यहाँ पे एक अच्छी चीज भी देखो ग्रीन भी है। तो देखो बहुत मतलब कि बहुत सुंदर ठंडा रूम है। आपको एक बार यहाँ से बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। लोगों ने साफ सफाई कर ली है, तो भी हम देखो यहाँ पे कुछ ऐसा एरिया है मतलब मस्त एरिया है। तो हम लोगों ने भी साफ सफाई कर लिया, तो वापस से घर पे जा रहे हैं। गैस भी में हम लोग वहां से घर पे आ चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले घर गए हैं, तो घर वापस से भूख लगी थी। तो क्या था, जब लोग हम लोग जा रहे थे तो जल्दी जल्दी में थे, तो मैंने अपना खाना अधूरा कर लिया था, तो वापस से मैंने आके खा लिया, तो मेरे पेट भर चुका है। तो आपको भी थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। जब हम लोग कल चिक्की बनाने वाले हैं, देखो हम लोगों ने कढ़ाई रख दी है, गैस भी चालू कर दिया है, और वे मेरे मम्मी तल ढूंढ रही है। तो गैस देखो ये हमारे तल है। तो गैस देखो हम लोगों ने तल डाल दिया इसके अंदर। ऐसे भी हम लोगों ने इसके अंदर गुड़ डाल दिया है, देखो। और मेरी मम्मी और फिर ज्यादा डाल रही है, देखो। हम लोग इसके अंदर तल डालेंगे, देखो ये हमारा गुड़ देखो एकदम कैसा हो गया। ये रहे हमारा तल, और देखो ये डाला हमने। तो कैसे हमने उसके अंदर तल डाल दिए,
देखो पूरा कलर में आ चुका है ये, जैसे चिक्की होती है ऐसी। ऊपर से बहुत ज्यादा डाल रहे थे, तो हमारी चिक्की बन के रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम इसको गोल गोल लाडू में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो इस वाले ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।